कहानी नहीं है, महाराष्ट्र का चाकण गांव। नई दुल्हन लता कांबड़े के पति की मौत हो जाती है। ओ भाई के शाप, मर्द को खा गई। नको तुम्हाला घरा। अकेली बेसहारा लता आत्महत्या का विचार छोड़ अपने नसीब को कोसती हुई एक अनाथ आश्रम में काम करने लगी। उन्हीं दिनों वहां आए एक विदेशी मेहमान ने उसकी सोच बदल डाली। पढ़ना लिखना सीखोगे तो अपना नसीब खुद लिखोगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने लता को अपनाया। अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान देकर लता को अबला से आत्मनिर्भर बनाया, अपने में विश्वास जगाया, जिम्मेदारी सिखाई। आज लताबाई कांबड़े इसी अनाथाश्रम की मुख्य माता हैं, इन बच्चों की दोस्त, गुरु, प्रेरणा। पढ़ना लिखना सीख लिया तो जिंदगी को सीख लिया। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। महाराष्ट्र का चाकण गांव। नई दुल्हन लता कांबड़े के पति की मौत हो जाती है। मर्द को खा गई। बेसहारा लता आत्महत्या का विचार छोड़ एक अनाथ आश्रम में काम करने लगी। अपने में लगन थी तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अक्षर और अंक ज्ञान दिया, आत्मनिर्भर बनाया, जिम्मेदारी सिखाई। आज लता कांबड़े उसी अनाथ आश्रम की मुख्य माता है। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।